गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था पायरीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 टेट्राहेलोजन यौगिकों में, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रियोन जिसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो दो हेलोजन होते हैं, एक तो क्लोरोमिंस क्लोरीन, फ्लोरोमिंस फ्लोरीन, ठीक है, और साथ में होता है कार्बन, यानी इनमें तीन ही परमाणु होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। इनमें इनके अलावा चौथा परमाणु नहीं होता। तो क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसे CFC भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्हें अपन इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, एल्केन के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं, या कार्बन क्लोरीन तथा फ्लोरीन से मिलकर बने यौगिक फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये एल्केन है मैथेन, ठीक है। अब अपन इसके चारों हाइड्रोजन को क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, इसके चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, और चारों हाइड्रोजन की जगह दो क्लोरीन जोड़ दें और दो फ्लोरीन जोड़ दें, तो ये बनेगा CCl2F2। अब देखिए यहां पे तीन प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन, है ना। तो ये एक क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, फ्रियोन है। इसी प्रकार अपन इसके चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, ठीक है, और इनकी जगह तीन तो लगा दें क्लोरीन और एक लगा दें फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा CCl3F, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। यहां पे भी केवल तीन ही प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन। तो कार्बन क्लोरीन तथा फ्लोरीन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहलाते हैं, ठीक है। इनमें इन तीन परमाणुओं के अलावा चौथा परमाणु नहीं होता, या आप इसे अपन ऐसे कह सकते हैं, ये एल्केन, ये क्या है एल्केन, अब इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन और फ्लोरीन से, तो एल्केन के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है वो क्या कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रियोन की परिभाषा हो गई।
अब देखिए फ्रियोन बनाने की विधियां। पहली विधि है पायरीन के द्वारा। किसके द्वारा? पायरीन के द्वारा। तो देखिए पायरीन होता है CCl4। अब इसकी अपन क्रिया करा दें HF से। किससे? HF से। ठीक है, ये क्रिया होती है एंटीमनी पेंटा क्लोराइड के द्वारा। अब अपन HF का एक अणु लेंगे। अब यह एक प्रकार की स्वार्ट्स अभिक्रिया होती है। यह एक प्रकार की क्या होती है? स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया अपन को पता है हेलोजन विनिमय का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? हेलोजन विनिमय का, यानी जिसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को प्रतिस्थापित करता है। उसके अंदर अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्स अभिक्रिया। और स्वार्ट्स अभिक्रिया में अपन ने देखा था जो फ्लोरीन है वो किसी दूसरे हेलोजन को प्रतिस्थापित करता है और अपन को उत्पाद के रूप में फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है ना। तो यहां पे फ्लोरीन है वो प्रतिस्थापित करेगा किसको? क्लोरीन को। तो ये एक प्रकार की स्वार्ट्स अभिक्रिया है। अब पहले अपन पायरीन की अभिक्रिया HF के एक अणु से करवाएंगे, तो एक क्लोरीन की जगह आ जाएगा एक फ्लोरीन, तो ये बन जाएगा CCl3F। ठीक है, अब जो क्लोरीन प्रतिस्थापित होगा वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा HCl, तो ये हो गया CCl3F। अब CCl3F में देखिए कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्लोर हो गए। इसे कहा जाता है फ्रियोन 11। क्या कहते हैं इसको? फ्रियोन 11 कहते हैं। अब इसे फ्रियोन 11 नाम क्यों दिया जाता है? अभी अपन इसका नामकरण करेंगे तब पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार अपन पायरीन है उसकी अभिक्रिया HF के दो अणुओं से करवाए, HF के दो अणुओं से करवाए, तो यहां पे दो फ्लोरीन है और देखिए पायरीन की क्रिया अपन HF के दो अणुओं से करवाएंगे, तो देखिए दो फ्लोरीन है वो प्रतिस्थापित कर लेंगे दो क्लोरीन को, तो ये ये बनेगा CCl2F2। ठीक है, अब CCl2F2 ये है फ्रियोन 12। ठीक है, अब जो दो क्लोरीन यहां से प्रतिस्थापित हुए वो दो हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे 2HCl। ठीक है, तो इस प्रकार अपन फ्रियोन को बना सकते हैं पायरीन के द्वारा HF से क्रिया करवाकर। और ये एक प्रकार की स्वार्ट्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहां पे फ्लोरीन है वो क्लोरीन को प्रतिस्थापित करता है। अब देखिए फ्रियोन बनाने की दूसरी विधि, हेक्साक्लोरोएथेन द्वारा। हेक्साक्लोरोएथेन द्वारा, एथेन मीन्स दो कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, हेक्साक्लोरो। अब इनके साथ जोड़ देंगे 6 क्लोरो।
तो ये है हेक्साक्लोरोएथेन। ठीक है, अब इसकी क्रिया करा देंगे 2HF से। HF के कितने अणुओं से? दो अणुओं से, वही एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए दो फ्लोरीन है, वो प्रतिस्थापित कर देंगे दो क्लोरीन को, तो ये बनेगा C2Cl4F2। और जो दो क्लोरीन प्रतिस्थापित होंगे वो दो हाइड्रोजन के साथ 2HCl। अब उत्पाद के रूप में ये प्राप्त हुआ, यहां पे कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रियोन 112। इसको क्या कहते हैं? फ्रियोन 112 कहते हैं। ठीक है, अब फ्रियोन के आगे इन संख्याओं का मतलब क्या है ये अभी अपन नामकरण करेंगे, उसमें क्लियर रहे। तो ये इस प्रकार फ्रियोन बनाने की विधियां है। अब देखिए फ्रियोन का नामकरण, अब अपन फ्रियोन का नामकरण करेंगे। तो कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो उसके लिए लिखा जाता है फ्रियोन, और फ्रियोन के आगे लिखी जाती है तीन संख्याएं। फ्रियोन के आगे कितनी संख्याएं लिखी जाती है? तीन संख्याएं लिखी जाती है। अब यहां पे जो पहली संख्या है ए, ये संबंधित होती है कार्बन से। ये किससे संबंधित होती है? कार्बन से। अब ए है उसको कैसे निकाला जाता है? कार्बन की संख्या में से माइनस एक करके, यानी फ्रियोन में जितने कार्बन है उनमें से माइनस कर दो एक, वो होगा ए। ठीक है ना, यानी सी माइनस एक, कार्बन की संख्या में से एक घटाकर ए को लिखा जाता है। बी है, बी संबंधित होता है हाइड्रोजन की संख्या से। बी किससे संबंधित होता है? हाइड्रोजन की संख्या से संबंधित होता है। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, हाइड्रोजन की संख्या प्लस एक, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़कर। अब अपन को पता है कि फ्रियोन में केवल तीन ही परमाणु होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में केवल तीन ही परमाणु होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, है ना, यानी इसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी? जीरो, और जीरो में एक जोड़ेंगे एक, तो ये जो बी है इसका मान हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। बी का मान हमेशा कितना होगा? एक। ठीक है, अब जो सी है तीसरी संख्या, ये संबंधित होती है फ्लोरीन से। किससे संबंधित होती है? फ्लोरीन से। और सी है सी है वो बराबर होती है किसके? फ्लोरीन की संख्या के। यानी जितने फ्लोरीन होंगे उतना ही मान होगा किसका? सी का। ठीक है, तो ये फ्रियोन के आगे तीन संख्याएं लिखी जाती है इस प्रकार से, पहली संख्या कार्बन में से एक घटाकर, दूसरी संख्या हाइड्रोजन में एक जोड़कर,
और तीसरी संख्या है वो फ्लोरीन की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए, जैसे अपने पास ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CCl3F, ठीक है। अब देखिए इसका अपन नाम लिखेंगे, फ्रियोन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए तीन संख्याएं लिखनी है। अब इसमें कार्बन कितना है, एक, तो एक में से एक घटाएंगे कितना आएगा, जीरो, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें होता नहीं है, तो जीरो प्लस एक, तो मैंने कहा था दूसरी संख्या का मान हमेशा एक होगा यहां पे। और तीसरी संख्या सी बराबर होती है फ्लोरीन की संख्या के, तो यहां फ्लोरीन कितना है, एक, तो तीसरी संख्या का मान भी एक, तो इसका नाम हो गया फ्लोर 11। CCl2F2, तो देखिए फ्रियोन, ठीक है। अब कार्बन एक है तो एक माइनस एक जीरो, दूसरी संख्या का मान एक हो लेंगे। अब यहां फ्लोरीन कितने हैं, दो, तो सी का मान हो गया दो, तो ये है फ्रियोन 12, ठीक है। CCl F3, कार्बन एक है, एक माइनस एक जीरो, दूसरी संख्या का मान एक होना ही, फ्लोरीन तीन है, तो ये है फ्लोरीन 13, ठीक है। C2Cl5F, फ्रियोन, अब कार्बन दो है तो दो माइनस एक एक, दूसरी संख्या का मान एक, अब फ्लोरीन है यहां पे एक, तो तीसरी संख्या का मान भी एक, तो ये है फ्रियोन 111। C2Cl4F2, फ्रियोन, कार्बन दो है तो दो माइनस एक, पहली संख्या का मान एक, दूसरी संख्या का मान एक हो लेंगे। अब यहां फ्लोरीन दो है तो तीसरी संख्या का मान दो, तो ये है फ्रियोन 112। C2Cl3F3, फ्रियोन, कार्बन दो है तो पहली संख्या दो माइनस एक एक, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन यहां पे, क्लोरीन का संख्या से कोई संबंध नहीं होता है। अब हाइड्रोजन, दूसरी संख्या किससे संबंधित होती है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन होता नहीं है, तो जीरो प्लस एक, दूसरी संख्या का मान हमेशा एक ही होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन कितने हैं, तीन, तो तीसरी संख्या का मान तीन, तो ये है फ्रियोन 113, है ना। यानी अपन यहां पे देख रहे हैं कि इसमें जो क्लोरीन होता है, कौन सा परमाणु, क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु का इन संख्याओं से कोई संबंध नहीं होता। क्लोरीन जोड़े जाते हैं कार्बन की संयोजकता के हिसाब से, पहली संख्या का संबंध है कार्बन से, दूसरी संख्या का हाइड्रोजन से जो इसमें होता नहीं है, और तीसरी संख्या का फ्लोरीन से। क्लोरीन का संख्या से कोई लेना देना नहीं, क्लोरीन को अपन को जोड़ना है संयोजकता के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो थे इनके सूत्र द्वारा इनके क्या लिखने, नाम लिखने, अपन को सूत्र दे दिया और इसका क्या पूछ लिया, नाम पूछ लिया, तो अपन इस प्रकार से बता सकते हैं। अब अपन इनके नाम से इनके क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे।
अब अपन को ये नाम दे दिया फ्रियोन 11 और अपन को पूछ लिया जाए इसका अणुसूत्र बनाइए। तो देखिए पहली संख्या का मान जीरो हो, पहली संख्या का मान क्या हो जीरो, मतलब कार्बन कितना है एक है ना, क्योंकि तो पहली संख्या कार्बन की संख्या माइनस एक से निकल जाती तो जीरो कब आएगा, जब एक में से एक घटाएंगे तो पहली संख्या का मान जीरो हो मतलब कार्बन कितना एक, तो कार्बन हो गया एक। ठीक है, दूसरी संख्या किससे संबंधित होती है हाइड्रोजन से, तो उससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता। तीसरी संख्या बराबर होती है किसके, फ्लोरीन के। अब तीसरी संख्या का मान एक है मतलब यहां पे फ्लोरीन कितना एक। अब देखिए इस कार्बन की एक संयोजकता तो फ्लोरीन से पूरी हो गई, अब इसकी कितनी संयोजकता बच गई, तीन संयोजकता बच गई, यानी इसमें क्लोरीन कितने होंगे तीन होंगे, तो इसका अणुसूत्र हो गया CCl3F। तो फ्रियोन 11 का सूत्र होता है CCl3F। ठीक है, इसी प्रकार फ्रियोन 12 का, तो देखिए पहली संख्या जीरो मतलब कार्बन एक। ठीक है, दूसरी संख्या से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी संख्या हाइड्रोजन से संबंधित होती है, हाइड्रोजन यहां पे नहीं होता। तीसरी संख्या का मान दो है मतलब इसमें फ्लोरीन कितने दो, अब इस कार्बन की कितनी संयोजकता बच गई दो, तो यहां दो हो जाएंगे क्लोरीन। ठीक है, तो इसका अणुसूत्र आ गया CCl2F2। ठीक है, तो फ्रियोन 12 का सूत्र होता है CCl2F2। अब देखिए अपन को सूत्र लिखना हो फ्रियोन 111। अब पहली संख्या का मान यदि हो एक मतलब वहां कार्बन कितने होंगे दो होंगे, तभी दो माइनस एक कितना हो जाएगा एक। अब पहली संख्या का मान एक है मतलब कार्बन की संख्या दो। ठीक है, दो कार्बन हो गए और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। अब दूसरी संख्या से अपन को कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता। तीसरी संख्या मान कितना है एक मतलब यहां पे फ्लोरीन कितना एक। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कार्बन की कितनी कितनी संयोजकता बच गई, उसके हिसाब से क्लोरीन जोड़ दीजिए। अब इस कार्बन की दो संयोजकता बच गई तो दो क्लोरीन यहां पे हो जाएंगे, इसकी तीन संयोजकता बच गई तो तीन क्लोरीन यहां पे हो जाएंगे। तो फ्रियोन 111 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2Cl5F। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को अणुसूत्र लिखना हो फ्रियोन 112 का। तो पहली संख्या का मान एक मतलब कार्बन की संख्या दो। ठीक है, अब तीसरी संख्या का मान दो मतलब फ्लोरीन कितने दो हो गए। अब जो इन दोनों कार्बन की संयोजकता बच गई उसके हिसाब से जोड़ दीजिए क्लोरीन, इसकी दो बच गई दो क्लोरीन, इसकी भी दो बच गई दो क्लोरीन, यानी फ्रियोन 112 में दो कार्बन चार क्लोरीन और दो फ्लोरीन, तो इसका अणुसूत्र हो गया C2Cl4F2। ठीक है, तो इस प्रकार अपन फ्रियोन के नाम से उसके क्या बना सकते हैं सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रियोन का क्या हो गया सूत्र से नाम बनाना और नाम से सूत्र बनाना।
अब अपन करेंगे फ्रियोन का वातावरण या पर्यावरण पर प्रभाव। अब देखिए अपन जानते हैं कि जो फ्रियोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो लगातार ओजोन परत को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है ना। तो फ्रियोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगातार ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, जो अपने सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब फ्रियोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो लगातार ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, और यानी जो ओजोन परत है वो अपनी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन है उस ओजोन परत को लगातार नष्ट कर रहा है, यानी ये इसका पर्यावरण पे क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। अब देखिए फ्रियोन है वो ओजोन को किस प्रकार नष्ट कर रहा है, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्तमूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मुक्तमूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन है वो मुक्तमूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है फ्रियोन ये किस प्रकार ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, अपन कहते हैं ओजोन परत में लगातार छेद हो रहा है, तो ये किस प्रकार से हो रहा है कि फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मुक्तमूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ओजोन को किस में बदल देता है, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा किस प्रकार करती है, ओजोन है उसमें पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, और अपन कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो लगातार ओजोन को नष्ट कर रहा है, कैसे ओजोन में छेद हो रहा है, कैसे ये ओजोन को किस में परिवर्तित कर देता है, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन में सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा बना एक क्लोरीन मुक्त मूलक, एक क्लोरीन मुक्त मूलक 100,000 ओजोन के अणुओं को ऑक्सीजन में बदल देता है। तो अपन ने कहा कि ये जो अभिक्रिया है ओजोन को ऑक्सीजन में बदलने वाली, ये एक मुक्तमूलक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। श्रृंखला अभिक्रिया मतलब ये एक बार स्टार्ट होने के बाद लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए
सीएफसी द्वारा बना एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1,00,000 ओजोन के अणुओं को किसमें बदल देता है? ऑक्सीजन में बदलता है। क्यों? क्योंकि ये एक मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब अपन इसे समीकरण द्वारा समझाएंगे, देखिए किस प्रकार होता है ये। ये अपन ने ले लिया फ्रियोन, और ये कौन सा फ्रियोन है? ये है फ्रियोन 11, CCl3F फ्रियोन 11 होता है। अब इसमें प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश ऊर्जा E बराबर H में, तो प्रकाश की उपस्थिति में इसमें होता है समास विखंडन। अपन को पता है प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विखंडन होता है? समास विखंडन होता है। और समास विखंडन से अपन को पता है किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है। तो CCl3F में प्रकाश की उपस्थिति में होगा समास विखंडन, ठीक है। अब देखिए यहां पे समास विखंडन होगा तो ये दो मुक्त मूलकों में टूट जाएगा, CCl2F मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक। यहां पे क्लोरीन कितने थे? 3। समास विखंडन हुआ, एक क्लोरीन मुक्त मूलक है वो अलग हो गया, और ये बचा CCl2F मुक्त मूलक। तो इस प्रकार यहां से प्राप्त हो गया क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये क्रिया करता है किससे? ओजोन से। किससे क्रिया करता है? ये ओजोन से क्रिया करता है, और ये ओजोन से एक ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार ये ओजोन को बदल देता है किसमें? ऑक्सीजन में। ये ओजोन को किसमें बदल देता है? ऑक्सीजन में बदल देता है, ठीक है। अब ये जो Clo है ये फिर से क्रिया करता है किससे? ओजोन से। अब ये अपना ऑक्सीजन है वो वापस त्याग देता है। अब ये ऑक्सीजन और ओजोन के 3 ऑक्सीजन, ये फिर से ओजोन किसमें बदल गई? ऑक्सीजन में। एक ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन ये, तो ये बन गया 2 और 2, 4 हो गए, 2 2 4, यहां पे भी 3 और 1 4। तो फिर से ओजोन किसमें बदल गई? ऑक्सीजन में, और यहां फिर से प्राप्त हो गया क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक है वो फिर से क्रिया करेगा किससे? ओजोन से, ठीक है। फिर से ओजोन का एक ऑक्सीजन ग्रहण करके ओजोन को बदल देगा किसमें? ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ये जो Clo है ये फिर से ओजोन से क्रिया करेगा, ठीक है, फिर से इसकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, फिर से ओजोन है वो ऑक्सीजन में बदल जाएगा, और फिर से प्राप्त हो जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक, है ना। ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से किससे क्रिया कर लेगा? ओजोन से। इस प्रकार ये एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इस प्रकार ये क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया, ये लगातार चलती रहती है। और एक क्लोरीन मुक्त मूलक है वो लगभग 1,00,000 ओजोन के अणुओं को किसमें बदल देता है? ऑक्सीजन के अणुओं में बदल देता है, और ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन है वो लगातार ओजोन परत को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, क्योंकि ओजोन को किसमें बदल देता है? ऑक्सीजन, ठीक। तो ये फ्रियोन का वातावरण या पर्यावरण पे क्या है? हानिकारक प्रभाव है, ठीक है। अगला टॉपिक अपन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।